अव्यय शुक्ल वृंदावन से प्रश्न करते हैं कि गुरुजी प्रणाम, कुंभ में देखा जाता है कि कुछ महात्मा लोग पेड़ों से लटके हुए हैं, तो बड़ी तपस्या कहलाई, किसी के बड़ी बड़ी भारी एक एक किलोमीटर की जटाएं हैं, और कुछ लोग तो धरती में गड़े हुए खाली हाथ ऊपर निकाले हैं, लेकिन उनको रुपया दे दो तो आशीर्वाद देते हैं, रुपया नहीं देते हैं तो आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो क्या ऐसे तपस्वियों को प्रणाम करने से क्या कुछ आत्म कल्याण होता है? क्या उनको तपस्वी माना जाए, या वो तपस्वी किसी का कल्याण कर सकते हैं, किसी को ज्ञान दे सकते हैं? ये वृंदावन धाम से अभ्य शुक्ल जी का प्रश्न है, आप लोग भी समझिए। ठीक बात है, हम लोग भी गए हैं कुंभ में, ऐसे ऐसे महात्मा है, कोई पेड़ में उल्टा लटक रहा है, कोई एक ही हाथ ऊपर खड़ा किए हुए है, और कोई एक ही पैर से खड़ा हुआ है, तो इनसे क्या समाज का क्या होने वाला है? और बहुत लोग प्रणाम करते हैं, तो भगवान ने अर्जुन से 17वें श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 5वें श्लोक को आप देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हमारे यहाँ जो जप है, तप है, व्रत है, उपवास है, ये सब की विधि शास्त्रों में लिखी हुई है। अधर्म क्या है, धर्म क्या है, ये भी लिखा है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये भी लिखा है। यदि वो पाप है तो उसके प्रायश्चित भी लिखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे होते हैं। ये कैसे तप है जो कुंभ आदि में देखे जाते हैं विलक्षण? तो भगवान ने कहा, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः। ये जनाः, जो लोग में कह दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, किन्नर, कोई भी हो, भगवान कहते हैं अशास्त्र विहितम तपः घोरम तपः तप्यन्ते। जो शास्त्रों में जिनको तप कहा जाता है वो ही तप है। शास्त्रों में जो मंत्र दिया जाता है कि ये मंत्र अगर आप बोले, इस मंत्र का जप करें, इस विधि से आकंठ मग्न जल में खड़े होकर के इतने लाख जप करें, ये जो तप आदि का विधान किया गया वो ही तप है। जो शास्त्रों में विधान नहीं किया गया है, और यदि उस घोर तप को कोई करता है तो क्या है, बोले वो महात्मा भी नहीं है। दंभाहंकार संयुक्ता, यदि कोई शास्त्रीय विधान के तप से रहित कोई घोर से घोर तप भी करता होगा तो वो दंभ ही है। तप किस तपस्या किस लिए की जाती है? अहंकार कम हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, देवता प्रसन्न हो जाए। विभीषण ने ब्रह्मा जी से वरदान में क्या मांगा कि घोर से घोर आपत्ति में भी मेरी बुद्धि विचलित ना हो, भगवान के चरणों में ही लगी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा लगी रहेगी। तो जिस तप का मंत्र लिखा हुआ है, जिस तप का देवता लिखा हुआ है, वो तो शास्त्रीय तप है, और जिस तप का कोई उद्देश्य ही नहीं है, मात्र अपने शरीर को सुखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए जो अशास्त्रीय तप होता है वो दंभाहंकार संयुक्ता है। उस तपस्या में, उस पुरुष में कुछ नहीं होगा, कोई सामर्थ्य नहीं। आपको वरदान देने का सामर्थ्य भी नहीं है, शाप देने का भी सामर्थ्य नहीं है, क्या होगा? बोले उसमें दंभ है। आप तपस्या कर रहे हैं इतनी भयानक, तो देवता को प्रसन्न करिए, जनता को खुश करके रुपया क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तो जनता को इकट्ठा, एक स्वामी करपात्री जी महाराज की पुस्तक है, करपात्री एक परिचय, उसमें लिखा हुआ है कि राधेश्याम खेमका जी बता रहे थे कि एक ऐसा घोर तपस्वी महात्मा आया काशी में, तो वो एक बड़ा भारी अग्नि कुंड जलाए हुए थे, वहां लोग जाने लगे, वो कहते थे हम पैसा नहीं छूते हैं, पर कोई पैसा देते थे तो चमीटा से उठा करके थैले में डालते थे, कहते थे हम छूते नहीं है पैसा।
और यदि उनको कुछ मंगाना है तो चमेटी से ही। तो स्वामी जी को बताया, करपात्री जी महाराज यहां से कुछ नहीं बोले, ये क्या है, कह रहे हम रुपया ही नहीं छूते, तो चमेटे से भी नहीं छूते, तो चमेट बात तो एक ही हो गई। तो यदि आपको कोई ऐसा कोई तपस्वी है जिस तप का शास्त्रों से विधान नहीं, जिसका कोई मंत्र नहीं, मात्र शरीर को सुखा रहे हैं और कुछ नहीं है, तो दंभा अहंकार संयुक्ता, उसमें दंभ होगा, अहंकार होगा, क्रोध होगा, काम राग बलान्विता, कामनाएं होंगी, राग होगा, बस इसी के बल से वह जनता को अपना ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप उनको रुपया चढ़ाइए, रुपया चढ़ा देंगे तो ज्यादा खुश हो जाएंगे, और नहीं चढ़ाएंगे तो अहंकार है तो क्रोध भी हो जाएगा। इसलिए वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो शास्त्रों में कहा गया मंत्र वही मंत्र है, शास्त्रों में कहा गया तप वही तप है, शास्त्रों में कही गई श्रद्धा वही श्रद्धा है, और शास्त्रों में कही गई मुक्ति वही मुक्ति है, शास्त्रों में कही हुई भक्ति और उपासना व्रत। इसलिए शास्त्रों के विद्वान महापुरुषों से ही दीक्षा लेनी चाहिए, ताकि समय समय पर उनसे आप शुद्ध शास्त्र का सात्विक व्रत उपवास कर सकें और अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। ये तो घोर तप है, किंतु ये कोई आपको मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाला तप नहीं, ये दंभ और अहंकार से परिपूर्ण संसार को दिखाने के लिए है, कामनाओं की पूर्ति के लिए है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।